हेलो एंड वेलकम गाइस माय न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने शेडिंग के कुछ पेंसिल्स खरीद लिए, जिसे हम टूल्स भी कह सकते हैं आर्ट के। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे हैं, लेकिन यही बात है कि हमें मिला नहीं वो बॉक्स जिस बॉक्स से हम कर सकते थे। तो बाद में दिखा दे बॉक्स खरीदेंगे, अभी बॉक्स मिला नहीं है मेरे पूरे इलाके में। तो देख सकते हो मुझे कुछ ये मिले, HB 2, HB 4, HB 6, HB 8 और HB 12, 10 नहीं मिला तो वो भी हो जाता है। तो ये देख सकते हो पहले मेरा HB 2 है, जो कि अप्सरा का ड्राइंग पेंसिल है। सब अप्सरे के, लेकिन सब अलग अलग स्टोर से हैं और सब अलग अलग में ही मिला है। तो ये देखो HB, मैंने गलती शायद से HB उठा लिया, लेकिन पहले भी मैं HB से ही काम करता था ये वाला से, जो कि अब बहुत छोटा हो चुका है तो इससे अच्छा नहीं होता। तो ये वाला मैंने लिया HB। टेन भी नहीं मिला अफसोस, लेकिन कोई बात नहीं, 6 मिले। लेकिन इन सब का कॉस्ट मुझे समझ लो 1 टुका 6, 1 टुका 6, 6, 6, फिर ये तीनों मेन थे जिनको साथ साथ पढ़ा, तो वो सब बात छोड़ो खत्म। ये 6 ही मेरे पास है जो मैंने अभी खरीद के लाए। इससे पहले मैं क्या चीज़ें ड्राइंग करता था आप देख सकते हो। वैसे मैं अच्छा ड्राइंग अभी भी नहीं करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस इतने इरेजर है, ये दोनों नया इरेजर है जो कि मैं इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास अभी वो इरेजर नहीं है, मोनो जीरो जो भी बोलते उसको, मैं 2 शॉपनर इस्तेमाल करता था जो कि अभी भी करूँगा। और ये पेंसिल मैंने शुरुआत से इस्तेमाल की है, जैसे मैं वीडियो ना रहा हूँ, एक पर्पल वाली थी वो ख़त्म हो गई। तो ये है, और ये डार्क वाली ब्लैक वाली की तो कोई ऐसी मैं इस्तेमाल करता हूँ जो कि काम आ जाती है। ये स्केल कहीं कहीं पे इस्तेमाल आता अपना। एक और शॉपनर है जो कि तीसरा शॉपनर हो सकता है। ये इरेजर तो देखे होंगे तुमने, ऐसे वाले मैं बहुत सारे इरेजर इस्तेमाल करता हूँ। और पेन को दिखाना ही जरूरत नहीं है, पेन तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखो बस मैं इतना इस्तेमाल किया करता था। तो अभी मैं हाल ही में ड्राइंग बनाता था, जैसे कि कोई वीडियो नहीं वो देख सकती हो, और रोनाल्डो की कुछ आधा बनाया मैंने, शेड इससे नहीं किया, शेड बात किसी से करेंगे। तो इसे अभी पूरा अच्छा से नहीं बनाया, तो एक कम्युनिटी में डाल लूँगा। तो चलिए कंपेयर मतलब देख सकते हैं कि देखते हैं इनकी शेडिंग कैसी लगती है। तो गाइस देख सकते हो मैंने सब को साफ कर लिया है, और यहाँ देख सकते हो मैंने कॉलम भी बना लिया है सबके शेडिंग के लिए। और इन सब को साफ करने में जो मेहनत लगी वो देख सकते हैं, यहाँ तीनों शॉपनर इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया, और इतना कचड़ा हुआ है जो कि बहुत मुश्किल था छीलने में, 5 मिनट लगी है, आराम छील रहा था मैं सबको। और हाँ, सबसे ज़्यादा मस्त छीलने मुझे सिर्फ HB 2B और 12B लगा, बाकी सब नॉर्मल थे, लेकिन सबसे हार्ड था 12B, क्योंकि इसे छीलने में देख सकते हो कितना ही ये डार है। देखो मैं हाथ में करता हूँ, अब देखो मेरा हाथ देखना तो कितना काला हो गया है सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से। बहुत ही मस्त लगने वाला दिखते, अप्सरा का भी उतनी खतरनाक ख़राब नहीं होगा। ये देख सकती है HB, देखो तो मैं HB का देखो कॉलम में HB लिखा है, 2B ऐसे, 6B, 8B, 12B सब में बना दिया है। तो शेडिंग करके चेक करते हैं, एकदम लाइट प्रेशर से मैं इसको चेक करूँगा गाइस, देखते लाइट प्रेशर में कैसा होता है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है जो कि उतना भी ख़राब नहीं है, देख सकते हो। सो ये थोड़ा HB का सबसे सही सेट था, और ये मैं करता हूँ 2B में से। तो ये देखते हैं 2B को भी मैं वैसी लाइट प्रेशर से करूँगा, एकदम लाइट प्रेशर, जिससे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो देख सकते हो ये भी, ये HB और 2B एकदम, तो ये दोनों लगभग लगभग एकदम सेम ही HB और 2B। तो अब हम करते हैं 12B, मेरे हाथ में आ गया है गलती से 12B, तो मैं 12B इस्तेमाल करते हैं। चलो डायरेक्ट यहाँ आते एंड में, मुझे देखना है इसका शेडिंग कैसा होता है। एकदम लाइट प्रेशर है गाइस, देख तो अगर यही लाइट प्रेशर होगा तो अगर मैं डार्क करके देखूँगा तो बवाल ही उठने वाला है गाइस। देखता हूँ एक बार डार्क भी कर लेता हूँ साइड में, B12 लिखते हैं बी गाइस, ये तो कलर के मुकाबले दे रहा है गाइस। सो 12B तो हार्ड था, अब कौन सा ये ला 4B, मतलब यहाँ इसका ऊपर ही ठीक, इसका ऊपर जाते हैं। ये भी थोड़ा डार्क होना चाहिए बिल्कुल, ये भी डार्क तो है,
ये गाइस थोड़ा उतना भी है ख़राब नहीं है अप्सरा का, तो मैं सोच रहा था मुझे होगा। अब 6B या 8B है तो मुझे मिलता है कौन सा, 8B। अच्छा 8B, 8B कहाँ है यहाँ पे, तो 8B भी, लेकिन यही चल जाएगी। 8B और 12B बिल्कुल समा, ठीक है देखते इसमें वही चेक करते हैं। 8B और 12B मुझे थोड़ा लगभग सेम ही मिल रहा है, देखते हैं। तो कोई बात नहीं है, मुझे बचा कौन सा था, ये कौन सा है, ये तो 4B है, 4B मैंने कर लिया है तो ये बचा हुआ है। हाँ 6B का है, 6B देखते हैं। ऑफकोर्स 6B तो 6B जैसा होगा, नॉर्मल 6B, तो हाँ ये भी अच्छा है। तो ये चीप प्राइस में सबसे ज़्यादा चीप यही होगा, 8 लाइन से भी ज़्यादा चीप है। अलग अलग लोगे तो चीप पड़ेगा, 5, 6, 7 में मिल जाएगा, तो ये मस्त ही है, उतनी ख़राब भी नहीं है और सच बता तो ठीक ठाक है, बिगिनर्स के लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा ही है, देख सकते हो। तो ये हो गई बस इतनी बात, मैं एक बार अपना ये पुराना HBB वो देख लेता हूँ सेट करके, यकीनन पुराना है, HBB ख़राब नहीं है देता है। हाँ तो बताना कैसा लगा इसकी ये रिव्यू, समझ लो रिव्यू ही मान लो, मैंने खाली इसका कंपैरिजन ही किया था, और अच्छा है, अच्छा ही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप खरीद सकते हो, मैं भी खरीद लिया हूँ इसलिए। और हाँ अब देखते हैं बनाकर वीडियो, इसी भी मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा था, चैनल को जो भी नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो, ये मैं जल्दी से बोल नहीं पाया लेकिन कोई बात नहीं कर दो गाइस बस। और हाँ जो भी चैनल छोड़े गए हैं प्लीज़ आ जाओ वापस, और मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट और नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।